रुकिए। जय भवानी, दुर्गा भवानी माते, आप डालिए। माता ने मुझे माफ कर दिया। नमस्ते। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी के केस में 5 दोषियों को फांसी देते वक्त बलराम जाधव का फांसी का फंदा टूट गया, इसलिए तय समय पर उनकी मौत नहीं हो पाई और वो जिंदा बच गए। ऐसी अनहोनी इतिहास में पहली बार होने की वजह से राष्ट्रपति द्वारा माफी के लायक है ऐसा मानकर उन्हें रिहा कर दिया गया। कुछ लोग लॉयर को खरीद कर जीतते हैं और कुछ लोग जज को खरीद कर केस जीतते हैं, पर मैंने जल्लाद को खरीद कर मौत से बाहर निकला। स्वागत है आपका, स्वागत है, आइए। इस फांसी के फंदे में स्टील स्प्रिंग रखकर इसे तैयार करूंगा। गले में इसके टाइट होने का चांस नहीं और इंसान नहीं मरता। सही वक्त पर रस्सी टूट जाए ऐसा मैं बंदोबस्त कर दूंगा। ये 5 करोड़ तुम्हारे ही है, ले लो, एंजॉय करो। बैलेंस हो गया। तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया और मैंने उसके बदले तुम्हें मरण दिया। इसकी लाश को गहरा गड्ढा खोदकर दफना दो, सबूत मिलना नहीं चाहिए। जय भवानी, दुर्गा भवानी। आप लोगों का जो यज्ञ चल रहा है अद्भुत है, महा अद्भुत है। सूर्या, मैं बदल गया हूँ, तुम्हारे जैसे ही सेवा करूंगा। लोक कल्याण के लिए मुझे भी सेवा करनी है। सांप डसना नहीं छोड़ता, पहले तुम इसे देखो। तुझ जैसे इंसान का बदलना नामुमकिन है। जनता के हाथों की मौत मरने के लिए ही तू फांसी से बचकर आया है। मैडम ने बिल्कुल सही कहा है, शेर शिकार करना नहीं भूलता। मेरे जैसा इंसान साइलेंट नहीं हो सकता। ये विजयवाड़ा सिटी मेरी है। मैं सर कटाने वालों में से नहीं हूँ, सर काटने वाला हूँ। ए सूर्या, तू गोल्डन सिटी बनाना चाहता था ना? मैं रोल्ड गोल्ड सिटी बना दूंगा। एक शैतान को अच्छी सोच आती है तो वो मैं हूँ, अगर भगवान की अच्छी सोच आती है तो वो तुम लोग हो। जय भवानी। शराब गुलाम और जात पागल बना देती है, पर इसका गुस्सा तो लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। तो हम जो मैनिफेस्टो शुरू करना चाहते थे, जिस राज्य को बदलना चाहते थे, उसे सबके सामने लाना होगा। उसे सुनकर पब्लिक में बदलाव शुरू होना चाहिए। आपको जो कुछ भी करना है 3 दिन में करना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन में आप क्या कर सकते हैं? अगर हमारी सोच आपके साथ मिल जाती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को हम नहीं बदल सकते। लोकपाल बिल लाने के लिए अन्ना हजारे को लोगों का सपोर्ट पूरी तरह से मिला था। देश में एक आंदोलन सा चल पड़ा था, सरकार सोचने लगी थी। जितनी भी पार्टियां आई, जितनी भी सरकारें बनी, वो सब देश को कैसे लूटा जाए ये सिखाकर चली गईं। पॉलिटिकल लीडर सरकार लोगों को धोखा देती ही रही। दोषी को डर नहीं, धोखेबाजों की कमी नहीं है। टोटल सिस्टम इज बैड। सिस्टम के साथ लड़ने के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस सिस्टम से मेरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। But my war is on the system. Now it's beginning. जीना कैसे चाहिए बताती है भगवत गीता, रहना कैसे बताता संविधान। पहले लिखे संविधान को आज समाने की जरूरत है। आज समय की मांग है ये। लोगों का लिखा हुआ संविधान चाहिए, जो कि नेताओं के लिए भगवत गीता बने। इन बचे हुए 3 दिनों में हमें मैनोफेस्टो की मदद से पब्लिक को सारी जानकारी देनी होगी, क्योंकि सिटी लीज फिनिश होने के बाद सब कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा।
इस संविधान को लोग ही लिखेंगे, सरकार को उसे अमल करना होगा। आप जैसे आईपीएस और आईएएस लोग जो डिसाइड करेंगे, ये मैनिफेस्टो संविधान में चार चांद लगा देगा। ये विजयवाड़ा सिटी रोल मॉडल बनना चाहिए। ब्रेक द रूल्स, मेक द रूल्स। इलेक्शन को बंद करने को कहते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये कौन है भाई? इलेक्शन में खड़े रहने के लिए एजुकेशन की जरूरत है? कितनी बकवास बात है। मुझे दस्तखत सीखने के लिए एक साल लग गया था भाई। अगर रिश्वत के आरोप प्रूव हो जाते हैं तो जायदाद में से 90% वो जब्त कर लेगा। आप उसे रोको भाई। क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, उन्हें बड़ा कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। लोगों में वो शहद जैसे घुल मिल रहा है, ऐसी उसकी फीलिंग है। लेकिन हम खून चूसने वाले चौंक हैं। ये बात उसे और उस पर भरोसा करने वाले लोगों को दिखाते हैं। हेलो हेलो सूर्या को तुम अपने साथ लेकर आओ, मेरे साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए। जो मैनिफेस्टो तैयार किया है ना, अगर नहीं लाई तो उसी मैनिफेस्टो में उन्हीं लोगों के बीच बम ब्लास्ट होगा। सूर्या, कम विद मी। सूर्या, हम लोग जो मैनिफेस्टो करने वाले हैं उसकी वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे। इसने ऐसी धमकी दी है। पहले तुम इसे देखो, इसका दिमाग घूमकर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, इतना मारो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। ए, जब से तेरे मेरे बीच में दुश्मनी शुरू हुई, हर मिनट में तेरे बारे में ही सोचता हूँ। तू कहीं और बम मत लगा, तेरे बगल में ही रखा हुआ है बम। कमीने, मारो को, इनके पापा को, इनके पापा को, आखिर में जल्लाद को भी मारने के सबूतों को। होने वाले मैनिफेस्टो में तू जो करने जा रहा है ना ब्लास्ट, उसकी जानकारी पूरा इकट्ठा करके सूर्या को बताने वाला मैं हूं। प्रभाकर, क्या करने जा रहे हैं बता दे। सर, आपने जो मैनिफेस्टो रखा है ना, उसके संबंध में जो एक महासभा होने वाली है ना सर, उसमें कम से कम 2000 लोगों को मारने का प्लान बनाया गया है। सूर्या, खत्म कर दो इस कमीने को। हो गया क्या? ऑलरेडी एक बार मर के जिंदा हुआ हूँ मैं, मौत से डर नहीं लगता। एक चींटी आगे बढ़ती तो हजारों चींटियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। ये उनके बीच की एकता है। लेकिन जब एक भेड़ खाई में जाती है तो बाकी भी उसके पीछे चल देती हैं। ये उनकी एकता नहीं है, उनकी नादानी है। आप जैसे लोगों का साथ पाकर लीडर्स और पॉलिटिशियंस आप ही लोगों को भेड़ समझते हैं। वो आप लोगों को लूट रहे और लूट लूट के थक गए हैं, लेकिन आप लोग धोखा खाते हुए नहीं थके हैं। समझौता करने की आदत बन गई है तुम लोगों को। कितने गरीब बनोगे तुम लोग? कब बदलोगे? बदलोगे या नहीं? जब कोयले को जलाया जाता है तो आग बन जाता है, समंदर आपा खोता है तो प्रलय आ जाता है, और अगर धरती फटती है तो भूकंप, भूकंप।
अगर आकाश फटेगा तो तूफान, तूफान। हवा घूमने लगे तो आंधी, आंधी। तो ये गुण तुम में नहीं है क्या? हे, हमें, हे, हमें। त्रेता युग में सिर्फ रावण एक विलन था, द्वापर युग में 101 कौरव विलन थे, पर इस कलयुग में ऐसे रावण और नरकासुर बहुत सारे लोग हैं। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो लोग सवाल करने वाले होने चाहिए, ऐसे भीख मांगने वाले नहीं। सालों पहले लिखे संविधान में बदलाव नहीं आया, तो जब तक ये दुनिया है हमें ऐसे ही मरते मरते जीना होगा। हमें जो चाहिए हमें ही लिखना होगा और उसके लिए सरकार पर दबाव डालना होगा और वो सब अमल करके कानून में लाना चाहिए। संविधान में ऐसे बदलाव के लिए आज ही अभी ही इस बात पर सोचना होगा, आज ही इसी वक्त पब्लिक में, पब्लिक के सामने प्रजा मैनिफेस्टो हमें ही तैयार करना होगा, नए संविधान को तैयार करना होगा। पनिशमेंट, 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 पनिशमेंट। संविधान के बदलाव के इस महायज्ञ को इसी की बलि के साथ शुरू करते हैं, तब ये विजयवाड़ा का पूरा शहर का शहर त्योहार मनाएगा। मुझे मत मारो, सूर्या, सूर्या, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे, मुझे मत मारो, सूर्या, सूर्या, मुझे, मुझे मत मारो, मारना सलूशन नहीं है, संविधान को संवारना ही रेवोल्यूशन है, वही फाइनल डेस्टिनेशन है।